The theme of love in Sons and Lover. D.H. Lawrence's novel Sons and Lover explores the significant family and compassionate relationship of early adulthood. Unfortunately and possibly beckons to Lawrence himself, the relationship in the novel are often abusive, triangulated, and otherwise inappropriate. Many of these distorted connections may stem from unconscious and cyclical perceptions of love by characters. In D.H. Lawrence's novel, Sons and Lover, each character's view of love is shaped by observing his parents' relationship. D.H. Lawrence's novel mein Sons and Lover, jo ki Sons, D.H. Lawrence ka jo novel hai, Sons and Lover, usme har character jo hai, character ka view of love is shaped by observing his parents' relationship. उसको शेप किया गया बाय ऑब्जर्विंग हिज पेरेंट्स रिलेशनशिप. उसका पेरेंट के साथ जो रिलेशनशिप थी उसके हिसाब से उसको ऑब्जर्व किया गया. कॉजिंग मिसेस मॉरल एंड हर सन्स टू परसीव लव एज डोमिनेशन ओवर एन अदर पर्सन. और वो जो है मतलब कॉज कर रहे थे, ये वो लव था जो कि मिसेस मॉरल और उसके सन्स को परसीव ये सोचने पे मजबूर कर रहा था, जो कि परसीव कर रहे थे लव को एज डोमिनेशन ओवर एन अदर पर्सन, जैसे वो उनकी डोमिनेशन हो जाए एन अदर पर्सन. जर्ट्रूड मॉरल, अ मदर हुज पोसेसिव लव फॉर हर सन हिंडर्स देयर एबिलिटी टू एस्टैब्लिश फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद अदर वीमेन एंड हर डिटेस्ट ऑफ हर हस्बैंड क्लोजेस हिम आउट ऑफ देयर लाइफ. और जो है एक्चुअली यहाँ पे जर्ट्रूड मॉरल जो है एक ऐसी औरत जो कि जिसका पोजेसिव लव फॉर हर सन्स जो है वो उसके बेटों के अंदर से ये एबिलिटी जो है वो छीन लेता है कि वो अपने रिलेशनशिप्स को फुलफिल तौर पे विद अदर वुमेन जो है वो एस्टैब्लिश कर सके. और एंड हर डिटेस्ट ऑफ हर हस्बैंड क्लोजेस हिम आउट ऑफ देयर लाइव्स. और उसका जो डिटेस्ट यानी कि उसकी जो नफरत थी ऑफ हर हस्बैंड उसने उनकी जिंदगियों में से उसको बिल्कुल खत्म कर दिया. जर्ट्रूड कैन नॉट बेयर टू सी हर चाइल्ड चिल्ड्रन लिविंग इन द लाइफ दैट हर हस्बैंड वॉल्टर डस सो मेक श्योर दैट दे डिटेस्ट हिम. जर्ट्रूड नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे जो है उसके हस्बैंड वॉल्टर की तरह की जिंदगी गुजारे. इस वजह से उसने अपने बच्चों को ये श्योर करा दिया कि उन वो उससे नफरत करते हैं अपने बाप से, एंड स्पेशली विलियम एंड पॉल. Mrs. Morrell did ruin three lives in the novel. Walters, Williams and Paul. उसने तीन लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी जिसमें उसका अपना शौहर था और उसके अपने दो बेटे थे. Walter was a simple miner in a simple needs and no motivation or want to advance. एक सिंपल वो जो है एक कानकुन था, ठीक है, और जिसको बिल्कुल उसकी सिंपल नीड्स थी, आम जिंदगी गुजारना चाहता था. उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी कि वो मजीद इस काम को आगे बढ़ाए या ज्यादा कमाए, तो वो इस तरह का इंसान था. When he and Gertrude first met, he had thick flowing back hair and a full beard. जब वो Gertrude पहली दफा मिले तो उसकी thick flowing back hair थे और full beard यानी कि अच्छी खासी दाढ़ी थी. And he also laughed a lot, suggesting a happy, relaxed figure. He also portrayed himself as a bold and senior in the mines, making a good stable wage, owning his own house and everything in it as well. और वो जो है अपने आप को ऐसे portray करता था as bold और senior in mines, जैसे वो senior है mines में और वो एक good stable wage जो है यानी कि उसकी अच्छी खासी तनख्वाह है, stable wage है, जो कि अपना घर वो खरीद सकता है और everything इसके अंदर वो रख सकता है. Gertrude finds herself strangely attracted. Gertrude जो है बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, despite being described as opposite to her new found love. They rush into marriage, but the lust that they had soon fades as the lies that were told are uncovered. लेकिन वो जो but the lust that they had, लेकिन वो लस्ट जो उनके अंदर थी बहुत जल्दी खत्म हो गई. As the lies were told are uncovered, जब वो ties वो जो lies थे जो झूठ उसने उसको बताए हुए थे वो सब खुल के सामने आ गए. Gertrude starts to despise the man she married because he lied to her and goes and spends money he makes on alcohol instead on his family. Gertrude जो है वो अपने शोहर से नफरत करने लग जाती है क्योंकि he lied to her, उसने उसको उससे नफरत की थी and उसने उससे झूठ बोला था और वो
अपना सारा जो पैसा है वो अपनी फैमिली की बजाय कहाँ पे अल्कोहल में शराब में लगा देता था. When William is born, Gertrude smothers him in love and tries her hardest to keep him away from her husband, which makes Walter jealous and angry with her that he cannot have the same connection with the child that she does. अब जो है वो Gertrude अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और जिसको जो है और हर वक्त उसको अपने हस्बैंड से दूर रखती है और जिसकी वजह से वॉल्टर उससे काफी नाराज होता है कि जो हक तुम्हारा है बच्चे में वो मेरा भी है. Gertrude does this with all the children that she and Walter have. The eldest boys are so enveloped by their mother that they cannot hold a stable relationship when they grow older because their mother wants to keep them from herself. William and Paul Morrell are unable to love when they come to manhood because their dominant mother holds them back. So that a split occurs between body and soul. अब जो है एक split occur हुआ between body and soul. Their sweethearts getting the former, their mother getting the latter. उनकी जो sweethearts हैं उनको जो है former मिल गया और उनकी mother getting the latter. While the boys themselves are shattered, जबकि उनकी यानी कि उनकी जो स्वीट हार्ट थी जिनसे उन्होंने उन्होंने लड़कों ने मोहब्बत की या उसके बेटों ने मोहब्बत की उनको अपने पहले महबूब मिल गए और उनकी माँ को बाद मतलब बाद में गेटिंग द लेटर उनको अपनी बाद का महबूब मिल गया. वाइल द बॉयज जो है वो शैटर होके रह गए इनवर्डली इन द कोर्स ऑफ द स्ट्रगल. Gertrude ill treatment of her husband and intense passion for her children originate from observing her own parents' relationship. Even though Gertrude resembled her mother in her small build and hated her father's overbearing manner towards her gentle, humorous, kindly souled mother, she still retains her father's temper and need to dominate. The brief description of Gertrude's family life suggests that her father, George Coppard, aggressively controlled her mother. From Gertrude's later actions, it seems that she subconsciously learned through observation that love means having power over another person, an idea that pervades the treatment of her husband and sons in the novel Sons and Lovers. Gertrude believed that love equates to power is most evident in her relationship with her husband. Gertrude ye believe karti hai, ye jo love hai, जो कि इक्वेट करता है टू पार वो मोस्ट एविडेंट है इन हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड मॉरल. इन दिस रिलेशनशिप Gertrude अनकॉन्शियसली अज्यूम्स द रोल ऑफ हर फादर. व्हेन Gertrude एंड मॉरल फर्स्ट मीट शी इज अट्रैक्टेड टू हाउ मॉरल डिफर्स फ्रॉम हर फादर. Gertrude जो है जब वो पहली दफा मॉरल से मिलती है तो वो देखती है कि उस जो मॉरल है वो कितना डिफरेंट है उसके फादर से. डिस्क्राइबिंग मॉरल एज सॉफ्ट नॉन इंटेलेक्चुअल वार्म अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग एज अपोज्ड टू जॉर्ज प्राउड इन हिज बेयरिंग एंड रादर बिटर हु इग्नोर्ड ऑल सेंसुअस प्लेजर. दो Gertrude सीम्स टू अनकॉन्शियसली डिसलाइक्स हर फादर्स कैरेक्टर. Gertrude खुद भी अपने कॉन्शियसली वो डिसलाइक करती थी अपने फादर के कैरेक्टर को. शी इज अनविटिंगली वेरी सिमिलर टू हिम लेकिन अनविटिंगली वो भी अपने फादर जैसी ही थी. एंड शी अनकॉन्शियसली मैरिड समवन हुम शी कैन डोमिनेट लाइक हर फादर डिड हर जेंटल ह्यूमरस काइंडली सोल मदर. और वो जो है हुम शी कैन डोमिनेट लाइक हर फादर डिड हर जैसे उसके फादर ने उसके साथ किया जेंटल ह्यूमरस काइंडली सोल मदर. Gertrude is also initially attracted to her husband. Initially तो वो अट्रैक्ट होती है अपने हस्बैंड की तरफ बिकॉज ऑफ दिस of his use of common dialect and his job as a miner, which he perceives as noble instead of just his only way to make a living. Mrs. Morrell's initial elevation in class education and refinement primes her to assume control over her husband. As Gertrude's love for her husband fades, she turns all of her affection to her children. This is even more disconcerting as she exerts power over her sons in the same way her father did her mother. And she did over Morrell, her influence leading to perpetuation of the love as dominant cycle and her son's ultimate demise. Mrs. Morrell's dominance over her son is most evident in her backhand hold over their love life.
Gertrude imposes unto Paul's and William's life so much that she takes the place of a lover. By being their lover, Mrs. Morrill does not allow her son to find women of their own, reducing their lives to an anxiety and loneliness. Mrs. Morrill's dominance over William leads to his death as he strangles between his fiancée, Lily, and his mother. When William first gets sick, the doctor describes the illness as pneumonia, and he said apicular erysipelas, a skin disease which has started under the chin, where the collar shaved and was spreading over the face. The fact that William's illness targeted his lungs and the area around his throat alludes to death by strangulation, as he is pulled between his domineering mother and a fiance whom he wants to be able to love. होता क्या है, ये वो जो फैक्ट है विलियम की इलनेस का, वो टारगेट कर जाता है उसके लंग्स को और जो एरिया अराउंड द थ्रोट जो कि एल्यूड करता है टू डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन, और जो उस स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसको खींचा जाता है बिटवीन हिज डोमिनेटिंग मदर और उसकी फियांसी होम ही वांटेड टू बी एबल टू लव, और उसकी जो फियांसी जिससे वो मोहब्बत करना चाहता था. Mrs. Morrill mourns for her son, unaware of her role in his demise. Mrs. Morrill को अपने son की मौत पे बड़ा दुख होता है, लेकिन वो unaware होती हैं of her role in his demise, उसकी इस demise पे, and she continues to perpetuate her love as dominant cycle with Paul. और अपने बड़े बेटे के मरने के बाद भी वो छोटे बेटे के साथ ये dominant cycle जो है वो continue इसको करती हैं. Mrs. Morrill also imposes upon Paul's relationship with Miriam. अब जो है वो जो है impose करती है Paul relationship with Miriam को, और फिर Gertrude constantly tells Paul how common Miriam is and waits up late for him, like his wife, when he stays out late with Miriam, trying to make him feel guilty. Gertrude जो है constantly Paul को कहती है कि मरियम कितनी कॉमन है, एंड वेट्स अप लेट फॉर हिम, और वो जो है उसके लिए लेट जो है वो उसका इंतजार करती रहेगी, लाइक हिज वाइफ, उसकी वाइफ की तरह, जैसे कि वो उसकी वाइफ हो. व्हेन ही स्टेज आउट लेट विद मरियम, जब वो उसके साथ लेट स्टे आउट करता है, ट्राइंग टू मेक हिम फील गिल्टी, और वो उसको जो है गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है. पॉल इवन रियलाइजेस एट द एंड ऑफ द नॉवल that his mother has been the root of his failed relationship. Usko end pe pata chalta hai ki uski maa jo hai uski failed relationship ka cause thi, and he asserts that I shall never meet the right women while you live. Aur wo ye bhi assert karta hai ki main kabhi bhi us right women se nahi mil paunga jab tak ki tum zinda ho. Paul's only means of freeing himself from his mother's dominance is to kill herself. Aur Paul jo hai सिर्फ ये जानता है ऑफरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हिज मदर डोमिनेंस कि वो अपनी मदर की डोमिनेंस से उस वक्त निकल सकता है जब वो उसको किल कर दे. एंड अदर डोमिनेटिंग एक्ट डिसगाइज़ेस एज लव फॉलिंग जर्ट्रूड पाथ. द टू सन्स दैट जर्ट्रूड मोस्ट लव्ड एंड डोमिनेटेड आल्सो सीम टू फील दैट डोमिनेशन इज ट्रू लव, थेयरबाय फॉलिंग इन जर्ट्रूड फुटस्टेप, बोथ सन अब्यूजिंग देयर लवर्स. अब जो है क्योंकि उनकी माँ ऐसी होती है, एक्चुअली ये जो हमारे साइको एनालिटिक जितने भी नॉवेल्स होते हैं ना, उसमें ये होता है कि इंसान जो है ना, जैसा उसकी माँ होती है ना, वो सारी दुनिया को वैसा समझता है, और मोर ओवर वो उसी तरह से रिएक्ट करता है. अगर तो बेटा माँ के करीब है तो वो उसी तरीके से बाकी लोगों के साथ बिहेव करता है जैसा कि उसकी माँ करती है. तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया कि वो जो जहन में उनके गुमान बिठा दिया गया था, जर्ट्रूड ने अपने बेटों के जहन में ये बता दिया था कि मोहब्बत करने का मतलब ये है कि तुम डोमिनेटेड हो और दूसरा डोमिनेटिंग है, यानी कि तुम हुकूमत करो, मोहब्बत करने का मकसद ये है. तो ये जो है एक चीज थी जो उनकी माँ ने, दोनों बेटों की माँ ने उसके जहन में बिठा दिया था कि डोमिनेशन इज ट्रू लव, कि उनके जहन में यही था कि डोमिनेशन इज ट्रू लव, थेयरबाय फॉलोइंग जर्ट्रूड फुटस्टेप, बोथ सन्स अब्यूजिंग देयर लवर्स. इस वजह से दोनों ही अपनी लवर्स को अब्यूज कर रहे थे. विलियम एज अ चाइल्ड एमिट सम ऑफ द सेम सेंटीमेंट्स एज हिज मदर व्हेन शी वाज यंग. विलियम लाइक हिज मदर
begins to abuse Lily, his fiancée, once he realizes she is not the perfect woman he imagined. In the same way that Mrs. Morrell built up a hatred for her husband. इसी तरीके से Mrs. Morrell ने hatred पैदा कर दिया अपने husband का, and so often William manifested the same hatred towards his betrothed. The same behavior are seen after William's death with Paul. Paul's relationship also suffered because of what he learned from his mother. Paul's longest and first serious compassionate relationship with Miriam ultimately ends because he feels Miriam wants to possess all of him. उसको ये लगा कि Miriam शायद जो है जो भी उसके पास है उसको possess करना चाहती है. Something to which both he and his mother object. शायद वो उसके और उसकी माँ के दरमियान में है. In a conversation with Mrs. Morrell, Paul explains why he cannot marry. और इसी तरह से एक conversation with Mrs. Morrell जो है उसमें हम देखते हैं Paul explain करता है why he cannot marry, कि वो क्यों नहीं शादी कर सकता. I even loved Clara and I did Miriam. वो कहता है मैंने यहाँ तक कि Clara से भी मोहब्बत की और मैं मरियम से भी मोहब्बत करता था, बट टू गिव माई सेल्फ टू देम इन मैरिज आई कुड नॉट. लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता. आई कुड नॉट बिलोंग टू देम क्योंकि मैं उनकी जागीरदार, मतलब मैं उनकी कोई मलकियत नहीं हूँ, मैं उनसे बिलोंग नहीं करता. तो उनके उसके ख्याल में ये था कि अगर मैं किसी से शादी कर लूंगा या मैं किसी से मोहब्बत कर बैठूंगा या वो मुझसे मोहब्बत, तो शायद मैं उनकी पोजीशन में आ जाऊंगा. तो वो उसको ये लगता था कि ये मैं नहीं कर सकता, यानी कि मैं किसी के लिए झुक के काम नहीं कर सकता. Thus we may conclude that in his novel Sons and Lovers, D.H. Lawrence paints a cyclical view of love in which characters define love by how they view their parents' relationship. For this reason, Gertrude Morrell, growing up in a household in which her father dominated her mother, views love as a power over another person. Perpetuating the cycle, she then assumes the role of her father by dominating her husband. और अगर हम इस cycle को perpetuate करें तो वो assume करती है वही father के role को by dominating her husband, जब वो अपने husband को dominate कर जाती है. Moral and her two favorite sons, और अपने दो favorite sons को भी वो dominate कर जाती है over their father. The two boys initializes her love एंड पावर बिलीव, और दोनों बच्चे जो होते हैं उसके दोनों बेटे वो उसके लव को इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि बेटे की जिंदगी में जो पहली औरत आती है वो उसकी माँ होती है. एंड पावर बिलीव, और वो जो उसकी माँ का जो पावर बिलीव था वो भी उन्हीं दोनों का हो जाता है. एंड एट द सेम वे इन देयर ओन रिलेशनशिप, और वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो अपने रिलेशनशिप में बिहेव करते हैं, टू टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. Though a cyclical view of love need not be negative in Sons and Lovers. इस वजह से ये जो cyclical view है of love, इसके need not be negative. इसको negative नहीं होना चाहिए. In Sons and Lovers, it only results in strife and a death of love that seems bound to be forever repeated. और ये जो Sons and Lovers में it only results in strife. इसका सिर्फ result होता है strife में और death of love में. जो कि seems bound to be forever repeated, जो कि forever repeated होता रहता है. यानी कि अगर पहले बाप ने किया था तो उसके बाद Gertrude ने किया, यानी कि Mrs. Morrell ने किया, और Mrs. Morrell के बाद उसके बेटों ने किया, और उसके बेटों के बाद जो है वो कहता है कि अगर इसको रुका ना गया तो ये आगे से आगे चलता जाएगा. Points to remember देख लेते हैं. Love here is presented as a force to dominate the other. Gertrude's moral initial love for husband, her family background. Mrs. Morrell love for her son, William and Paul. Nature of Miriam's love for Paul and conclusion. ये जनाब आपका आज का जो lesson है वो end.